औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के गांव परता नोघड़ा और नवीनगर प्रखंड के गांव टंडवा शिवा बीघा सिंहपुर और मदनपुर प्रखंड के वार करंडा तथा अन्य गांवों में खादी वस्त्रों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यहां 2 करोड़ रुपए के सूती वस्त्र तथा ऊनी कंबल के उत्पादन और बिक्री का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बड़ी आसानी से हासिल किया गया है। यहां के उत्पादित वस्तु लोगों द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और जम्मू कश्मीर के खादी बाजार में यहां के उत्पाद खूब धूम मचा रहे हैं और खादी उत्पादन से जुड़े नोगड़ा गांव के मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि प्रधानमंत्री की इस स्कीम के तहत सहायता मिलने से वे लोग सूती वस्त्र का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार को रोजी रोटी मिल रही है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। हम लोग बहुत युगों से ये काम कर रहे हैं, मगन लगन के साथ, अपना मिलजुल करके बाल बच्चे के साथ हम लोग काम करते हैं। वहीं अपने पिता का हाथ बटा रही एक अन्य बुनकर तरन्नुम ने बताया कि हम खादी वस्त्रों की बुनाई कर अच्छी कमाई कर ले रहे हैं और इसमें थोड़ी वृद्धि अगर कर दी जाए तो हम लोगों की स्थिति और बेहतर हो जाएगी। मेरे अब्बा यहाँ से कम 10-12 वर्षों से जुड़े हुए खादी ग्राम उद्योग से, और इससे हम लोग काम मजदूरी करके और घर का खर्च थोड़ा बहुत जो भी होता है हम लोग अपने से चलाते हैं। कि हमारी जो इस मजदूरी मिल रहा है इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो हमारी समस्या ठीक होगा, हम लोग के परिवार भी ठीक चलेगा। इधर जिला खादी ग्रामोद्योग समिति ग्राम निर्माण मंडल के पदाधिकारी बताते हैं कि जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लागू होने से खादी उत्पादन को बढ़ावा मिला है और खादी वस्त्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, इससे बुनकरों को रोजगार मिलने लगा है। जिले में 1 करोड़ का उत्पादन है, सेल काउंटर भी जो है 1 करोड़ का बिक्री भी है, कटिंग सेंटर जो है बनिया है, जुड़ाही है, आपको वार में सर चरखा चलता है, बिक्री का जो है सब पोजिशन ठीक रहता है, डिमांड बिक्री होती है और बिक्री के अनुसार उत्पादन भी किया जाता है इसका। बहरहाल नक्सल प्रभावित इलाके में खादी का उत्पादन होने से उत्पादकों के जीवन स्तर में सुधार होने के साथ साथ आम लोगों में शांति का भी संदेश फैल रहा है। औरंगाबाद से कमल किशोर की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार पटना।